हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपनी फिशेस के लिए लाइव फूड तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लाइव फूड के लिए हमें ये ऑनलाइन हमने ब्राइन शिम के एग्स मंगाए हैं, जिस जो कैप्सूल के रूप में है। ये 10 कैप्सूल आए हैं, 180 रुपये के आए हैं। तो हम अब इसको हैच कैसे करेंगे मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैंने पहले एक बाउल लिया है, 1 फुट का बाउल है। इसमें 4 से 5 लीटर पानी डाला है और इसमें रॉक सॉल्ट मैंने नहीं डाला है। रॉक सॉल्ट नहीं, मेरे पास रेड सी का कोरल प्रो सॉल्ट पहले का पड़ा हुआ था, जो मैंने मरीन टैंक बनाया था तो उसका बचा हुआ था, 2 साल से पड़ा था। हाँ, मैं उसका यूज़ करूँगा क्योंकि मरीन सॉल्ट जो रेड सी का सी सॉल्ट है, इसमें सारे कैल्शियम मैग्नीशियम सब ये मैग्नीशियम कैल्शियम अल्कलाइन जो सारा सब कुछ एक निश्चित उस पर है। तो हमारे ये ब्राइन शिम के एग्स अच्छे से हैच करेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। तो मैं इसको हैच करने के बाद नहीं खिलाऊंगा, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद फिर खिलाऊंगा मछलियों को। तो हम इसको 1 हफ्ते रखेंगे, 1 हफ्ते में इसको बड़ा करेंगे। इसको हैच करने के लिए टेम्परेचर 25 से 27, 28 के बीच में चाहिए होता है। तो इस टाइम तो गर्मी चल रही है, मगर अब 1 हफ्ते के लिए टेम्परेचर यहाँ दिल्ली में 25 से 35 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि बारिश होने वाली है और हो भी रही है, चालू हो गई है। तो उस हिसाब से मैंने इसको आज स्टार्ट किया है, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए टेम्परेचर इसके बीच में रहेगा। तो हमारा रूम का टेम्परेचर भी 28 से 29, 27, 28 यही बना रहेगा। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या क्या चाहिए होगा। एक बाउल चाहिए होगा, एक आपको ऑक्सीजन मशीन चाहिए होगी। ये ऑक्सीजन मशीन, इसको कम तेज़ करने वाले में से हमें लो स्पीड में चाहिए। और आपको सॉल्ट चाहिए होगा। आप अगर हैचरी ये मंगाते हैं तो आप रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करके, रॉक सॉल्ट जैसे हैच हो जाएंगे आपके, तो उसी टाइम आपको खिला दे। आप रख नहीं सकते, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते आप इसको रॉक सॉल्ट से। तो रॉक अगर बड़ा करना है तो आपको सी सॉल्ट लेना ही पड़ेगा। ये रेड सी का सी सॉल्ट है, ये मरीन टैंक में यूज़ होता है, रीफ टैंक मरीन टैंक सब में यूज़ होता है। तो हम चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से हम ये निकाल लेते हैं, 4 लीटर है तो हम कम से कम इतना ले लेते हैं। ये आधा किलो के आसपास होगा, तो ये डाल लेते हैं। ये हमने डाल लिया। अब इसमें हम ऑक्सीजन मशीन ये बना रखा हमने, ये डाल देंगे, लगा लेंगे। ये चल पड़ा है मेरा। अब ये आधे घंटे में अपना पूरा घुल जाएगा। ये ऑक्सीजन चल रही है, घुल जाएगा। उसके आधे घंटे बाद हम एक कैप्सूल डालेंगे, ठीक है। अब इसको खुलने के लिए छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद फिर हम इसमें एक कैप्सूल डालेंगे इसके अंदर। तो हमारे बाउल में पानी सॉल्ट में मिक्स होते हुए, पानी में सॉल्ट मिक्स होते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो सॉल्ट हमारा ज़्यादा है या कम है हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोमीटर का ये मरीन टैंक बनाते हैं उसमें यूज़ होता है कि आपको पानी में सॉल्ट का स्तर कितना रखना है। तो हम इसी से चेक करेंगे, इसको ऐसे भर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये रेड सिग्नल, ये यहाँ से 1.023 तक रहना चाहिए। ये अभी रेड पे जा रहा है, तो हम इसमें और पानी एक बार और चेक कर लेते हैं। ये जाएगा ऊपर, तो इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है, ये ऊपर जा रहा है। तो हम इसमें और पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये हमने भर कर रखा हुआ है पानी, ये रहा है, एक मुग्गा पानी इसमें और ऐड कर लिया है। अब चेक करेंगे इसको मिलाने के लिए। ये देखिए 1.021 से 22 तक है, 0.22 से। तो हमारा ये परफेक्ट कंडीशन में है। अब इसमें हम
अब इसमें हम ब्राइन सिम के एग्स डालेंगे। ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब ये हमारे ब्राइन सिम है, हम सिर्फ एक ही डालेंगे इसमें कैप्सूल, इसी में हज़ारों अंडे होते हैं। तो आप देखेंगे ये रहा कैप्सूल, ये हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ये निकल गया, इसमें बहुत अंडे होते हैं। ये रहा, हमने ये डाल दिया, ये लगाया घोल के, ठीक है। अब हम इसको इसकी अपनी जगह पे रख देते हैं, जहाँ इसका टेम्परेचर 26, 27, 28, 29 बस इसके बीच में रहेगा, और इसकी हैचरी 48 घंटे में हो जाएगी। उसके बाद हम इसको एक हफ्ता रखेंगे बड़े, हम इसको ब्राइन सिम के जो अंडे में से बच्चे निकलेंगे उसको बड़ा करेंगे, बड़ा करके तभी खिलाएंगे अपने मछलियों को। तो अब मैं सेट करता हूँ, जहाँ इसको रखना है वहाँ रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अपनी जगह पर रख दिया है बाउल को, और ये मैंने अंडे डाल दिए हैं, आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये साइड में किनारे किनारे हैं, ये अंदर रहते हैं, तैर रहे हैं। ये टेम्परेचर है हम, रूम टेम्परेचर हमारा 28.9 है, इसको हमें मेंटेन करके ही रखना है, 24 से लेके 29 तक ही रहना चाहिए, तभी ये हैच करेंगे। अभी एग्स सारे ऊपर आए हैं, अभी इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन तेज करूँगा तो ये नीचे अपना घुल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो। तो आज 2 दिन हो गए हैं हमारे बाउल में श्रिम्प के एग डाले हुए, आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये जो हैं ये एग सेल्स हैं, इसमें से श्रिम्प्स निकल चुके हैं, ये सेल्स हैं सिर्फ, इसके खोल है। और इधर ये हमारे ब्राइन श्रिम्प के बच्चे हैं, ये देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। तो आज 2 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो हम इसको अब मछलियों को खाने के लिए देंगे। तो कैसे कैसे देखेंगे ये, पहले हम इसका कवर हटा लेंगे, ये कवर हमने हटा लिया, हमने एक जुगाड़ बनाया है ये ऐसे, इसको जहाँ पर लाइट के पास होते हैं ये बच्चे सारे लाइट की तरफ एक तरफ जाते हैं, और इसको हम ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके उठा लेंगे, ये आ गए, ये पीला पीला जो दिख रहे हैं ये सारे ब्राइन सिम के बच्चे हैं छोटे छोटे। तो हम इसको ऐसे ही ले जाके अपनी मछलियों को खिलाएंगे, ये रहे। ये देखिए, मछलियाँ कैसे खा रही हैं, बड़े चाव से खाएंगी। हम इसको अब 3-4 दिन तक रेगुलर ऐसे ही खिलाएंगे निकाल निकाल के। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।